औषधि दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय में स्थित जन औषधि केंद्र के बगल में LED लगाकर देश के प्रधानमंत्री द्वारा पूरे भारत में खोले गए जिला अस्पताल में जन औषधि केंद्र चलाने वाले लोगों के कई बिंदुओं पर उनसे चर्चा की गई और जन औषधि केंद्र खोलने से लोगों को सस्ती दवाओं के मिलने से कितनी राहत है इसकी भी जानकारी ली और साथ ही आगामी होली त्यौहार का पूरे भारतवासियों को उसकी शुभकामनाएं भी दिया। इस अवसर पर जिला चिकित्सालय में कार्यक्रम के दौरान नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, पूर्व महापौर सत्या पांडे, CMO श्रीकांत तिवारी, प्रमुख अधीक्षक जिला अस्पताल AK सिंह सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण मौजूद रहे। जिन जगहों पे जरूरत थी वहाँ स्टोर खोलना शुरू किया। अभी मेरे 8 स्टोर हैं बनारस में और एक रॉबर्टगंज सोनभद्र में है, तो मगर लाभ उनको मिल रहा है सबसे ज्यादा, क्योंकि सीनियर सिटीजन ने जो उनको उनकी पेंशन होती है वो सारी दवाइयों में खर्च हो जाती है, महीने की दवाइयां लेते हैं वो। अब क्या है कि जो पैसे बचते हैं वो अपने परिवार पे या जन औषधि के प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे 800 रुपए में मिलती है, तो उसके बाद हम लोग को लगा नहीं ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर हम इस तरह से जन औषधि स्टोर खोलते हैं और लोगों को अधिक। पहले जितने लोग ले जाते थे, जितनी बहने ये सैनिटरी नैपकिन ले जाती थी, अब संख्या बढ़ी है क्या? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा, पर मंथ 4 लाख नैपकिन तो बेचने करना और लोगों को मदद पहुंचाना, ये सारे काम आपने किए हैं, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और बनारस का मैं हूं, आपने मुझे एक नया आइडिया दिया, वो आइडिया लोगों ने सुना कि आपने महिला मित्र का एक संगठन खड़ा किया है। मैं और भी जन औषधि केंद्र के जो लोग बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि बनारस का ये बहन अपूर्णा का जो अनुभव है उसमें से आप भी जरूर सीखें। महिला मित्रों का एक संगठन खड़ा करके खास करके सैनिटरी नैपकिन और पर्सनल हाइजीन में कैसे चिंता करनी चाहिए, अगर हमारी बहन बेटी माताओं की पर्सनल हाइजीन में हम मदद कर पाए तो हमारा समाज बहुत जल्दी स्वस्थ होता है, आने वाले बालक भी स्वस्थ होते हैं। और इस काम को करने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई के साथ और बनारस वासियों का उत्साह तो बड़ा देखते ही बनता है, मैं सबको नमस्कार करता हूँ और सबको फिर से एक बार होली की शुभकामनाएं देता हूँ। इसके बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने बताया, सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय भाई मोदी जी ने पूरे देश को ये मैसेज दिया है कि जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र करीब 6000 से ऊपर पूरे देश में खुले हुए हैं, वहाँ से आप लोग दवाएं लें और वो दवाएं 50 से 90% तक सस्ती हैं, तो निश्चित है जनता को 12,000 करोड़ रुपये जो है जनता का बचा है इसमें, और डुप्लीकेसी से आप बचेंगे और इस माध्यम से बहुत से लोगों को रोजगार मिल रहा है। आप देखे हैं कि पूरे देश में, चाहे वो आपका गुवाहाटी हो, चाहे जम्मू कश्मीर में लद्दाख से था आपका, फिर बनारस से और दक्षिण भारत के कई शहरों से प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट लोगों से बात किया है।